पहली बार आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो इसे लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ पूछना हो तो आप वो भी बता सकते हैं, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए दोस्तों हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्पंजी चॉकलेट बिस्किट केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ओरियो के 5 पैकेट बिस्किट, 2 चम्मच शक्कर और बेकिंग पाउडर, इसे हम 1 चम्मच लेंगे, और 1 कप दूध, इसे रूम टेम्परेचर पे लिया है, ये बॉयल्ड मिल्क भी आप ले सकते हैं, और यहाँ मैंने नटेला लिया है, इसको मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले सभी बिस्किट्स को तोड़कर एक मिक्सिंग ग्राइंडर के जार में डाल लीजिए। केक स्मूथ बने, स्पंजी बने, इसके लिए आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये जो बिस्किट्स मैं डाल रही हूँ इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, यानी इसमें कोई भी आपके बिस्किट के पीसेस नहीं रहने चाहिए, तभी आपका केक बहुत स्पंजी और बहुत अच्छे टेक्सचर का बनेगा। केक को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्पंजी कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पे जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर कर रही हूँ आप वो सब इसमें ज़रूर यूज़ करिए बनाने के लिए। देखिए एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए इसमें, बिस्किट के कोई भी टुकड़े आपको दिखने नहीं चाहिए, अगर बिस्किट का टुकड़ा दिखता है तो आप इसे दोबारा चला के फिर से इसे फाइन पाउडर बना लीजिए। अब इसमें शक्कर डालिए और 1 चम्मच यहाँ पे आपको बेकिंग पाउडर डालना है जैसे मैंने आपको बताया था, और फिर से इसे 1/2 मिनट तक आपको चला लेना है। बिस्किट का चूरा करते वक्त दोस्तों आपको क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर को थोड़ी देर चलाना है 1/2 मिनट, फिर बंद कर देना है, फिर 1/2 मिनट चलाइए, फिर बंद कर दीजिए। इस तरह से 2-3 बार करेंगे तो आपका जो पाउडर है एकदम फाइन हो जाएगा। अब इसी में आप दूध डाल लीजिए और फिर से इसे उसी तरह से चलाते हुए आप इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। देखेंगे ये बैटर एकदम इस तरह का रहेगा और चॉकलेट की बहुत अच्छी स्मेल आएगी पूरे में आपके, क्योंकि ये बहुत टेस्टी यमी टेस्टी चॉकलेट का केक बनने वाला है। अब एक केक टिन ले लीजिए, उसके अंदर पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा के ऊपर से थोड़ा सा घी लगा लीजिए और चारों तरफ से भी इसे घी या फिर बटर लगा के ग्रीस करिए और इसमें पूरा का पूरा मिश्रण डाल दीजिए। देखिए मिश्रण की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ये बैटर आपको बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इसे आप अच्छे से इसमें डाल दीजिए और 2 से 3 बार इस डिब्बे को आपको टैप करना है, यानी हल्का सा पटक लेना है जिससे कि इसके अंदर कोई भी एयर बबल ना रहे और आपका केक बहुत ही स्पंजी बनेगा, तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। अब आप एक कुकर या कढ़ाई के अंदर नमक डाल लीजिए, आप सिंपल खाने वाला नमक यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक स्टैंड रख के हम इसके ऊपर केक को बेक करने वाले हैं, यानी हम इस केक को बिना ओवन के बना रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। या तो कढ़ाई यूज़ करें या कुकर, और कुकर का अगर आप ढक्कन लगा रहे हैं तो उसमें से उसकी रबड़ हटा दीजिएगा और सीटी हटा दीजिएगा, और इसे शुरू के 5 मिनट एकदम तेज़ आँच पे आपको इसको पकाना है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये कॉर्नर में दिखने वाले लाल रंग के बटन को दबाइए, उसके बाजू में बने हुए बेल के निशान को भी दबा के आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये चैनल सब्सक्राइब हो गया, ये एकदम फ्री है, इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं, अब 20 से 25 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे बहुत ही स्लो आंच पे यानी धीमी फ्लेम पे पकाया है। ये हमारा केक बन गया था, मैंने इसे टूथपिक से चेक करा है, अच्छे से पक गया है और 30 मिनट इसे ठंडा भी कर लिया है। चलिए अब हम इसे इसके मोल्ड के बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकलने में दोस्तों बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने बटर पेपर लगाया है तो केक ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। इसके ऊपर का बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर हटा देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये केक कितना स्पंजी बना है, चॉकलेट का स्पंजी केक किस तरह से बनाया जाता है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसके ऊपर आप गार्निशिंग या फिर डेकोरेशन करने के लिए कोई भी क्रीम लगाइए, क्रीम नहीं है तो इस तरह से नटेला लगा लीजिए, आपका यमी टेस्टी चॉकलेट केक तैयार है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।